लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 16 तक सॉल्व किया था। आज के मैं अपने इस लेक्चर में न्यूमेरिकल नंबर 17 से स्टार्ट करूंगा। न्यूमेरिकल नंबर 17 में सवाल पढ़िएगा, तमाम लोग सवाल क्या लिखा हुआ ताकि मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं। चलिए इसे सवाल पढ़िए तमाम लोग। सवाल में आपसे बोल रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको सवाल में जो चीज़ गिवन कर रहा है वो है मेरे पास एनर्जी, और मैंने एनर्जी को लिखा ई एन इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सवाल में आपको एनर्जी गिवन कर रहा था। आगे उसने बोला कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके दिखाइए। याद है एंगुलर मोमेंटम को, आपको मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम को आप लिखते हैं एल एन से, यानी एल एन आपसे मांग रहा है, एल एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंगुलर मोमेंटम आपको निकाल के दिखाना। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे आप, सवाल को मैंने डाटा में डाटा लिखा, डाटा लिखने के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई। अब मैं एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए जा रहा था, मैंने सोचा सर मैं एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालूं, तो मैंने पहले तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा, मैंने लिखा फॉर एल एन। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एल एन इज इक्वल टू एन एच कट, यह आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 18 के लेक्चर नंबर 1 में। चैप्टर 18 का जो लेक्चर 1 में, उसमें आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ा है एल एन इज इक्वल टू एन एच कट। ये फॉर्मूला तमाम लोगों को पता होगा। मैंने इस फॉर्मूले को देखा, हाँ सर फॉर्मूला यही है एल एन इज इक्वल टू एन एच कट। इस फॉर्मूले के बाद मैंने कहा सर एन की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एच कट की वैल्यू पता है। एच कट की वैल्यू याद होगी आपको बेटा, एच कट की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी हुई है। चलो मैं इसको येलो से करके ले देता हूँ। एच कट की वैल्यू होती है 1.05 एक्सपोनेंशियल -34। सर ये तो पता चल गया एच कट की वैल्यू, चले आपने हमें एच कट की वैल्यू हमें बता दी, लेकिन सर मसला है हमें क्या नहीं पता, हमें एन नहीं पता। किसी तरीके से हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। अब हम एन कैसे निकालें, एन कैसे निकाला जा सकता है, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि हमें वो ई एन गिविन कर रहा है। मैंने एन के लिए लिखा फॉर एन, एन मुझे चाहिए क्योंकि मुझे वो ई एन गिविन कर रहा है। भाई वो ई एन मुझे दे रहा है ना, तो मैंने ई एन का फॉर्मूला लगाया। ई एन का फॉर्मूला मेरे पास ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये है मेरे पास ई एन का फॉर्मूला। ई एन की वैल्यू है मेरे पास -3.4 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कि आपने ई एन की जगह पे ई एन की वैल्यू रख दी। जैसी मैंने वैल्यू रखी एन स्क्वायर को ऊपर लेके चला गया, -3.4 को नीचे लेकर आ गया, तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर -13.6 और नीचे आ जाएगा -3.4। तो ऊपर हो गया -13.6, नीचे हो गया -3.4। अरे सर ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैलकुलेटर की मदद से अगर आप इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, तो कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करोगे तो एन स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 4। दोनों को डिवाइड करके चेक कर लो। सर मुझे तो एन चाहिए, एन पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा। एन के साथ भी स्क्वायर रूट लगा दिया, फोर के साथ भी स्क्वायर रूट लगा दिया, और जब मैं फोर का स्क्वायर रूट दूंगा तो बेटा एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। यानी अब आपने सॉल्व किया सवाल को, और सवाल को सॉल्व करने के बाद जो एन का आंसर निकाला, वो एन का आंसर कितना निकाला, 2 निकाला। अब आप ये एन का आंसर यहाँ पुट करोगे, यानी ये एन का जो आंसर निकाला है वो आपने यहाँ पुट करना है। यहाँ पुट करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने, मैंने वैल्यू पुट करी सर, एन की जगह पे आ जाएगा 2, बराबर में लिखा हुआ है 1.05 एक्सपोनेंशियल -34। कैलकुलेटर की मदद से अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एक्सपोनेंशियल -34, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब आ जाएगा मेरे पास, एग्जैक्टली जवाब आएगा 2.1 एक्सपोनेंशियल -34। और आगे इसका लिख दोगे यूनिट जूल सेकंड, क्योंकि अब ये सेकंड ऑर्बिट सेकंड एक्साइटेड स्टेट का एंगुलर मोमेंटम है, इसलिए अब यहाँ पे L2 लिखोगे। पहले आपको नहीं पता था ना, इसलिए मैंने LN लिखा हुआ था, लेकिन बाद में आपको पता चल गया था, अब आप क्या लिखोगे, L2 लिखोगे, और ये मेरे न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 17 के बाद आगे बढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल है मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 18। तमाम न्यूमेरिकल नंबर 18 पढ़िएगा, आपसे क्या बोल रहा है।
अब अगर आप सवाल की पॉइंट के तौर पे देखें तो सवाल में आपसे क्या बोला गया और सवाल में आपसे क्या मांग रहा है, मैं आपको करना सिखाऊं। सवाल में आपसे बोला आप ब्लड कॉर्पसल हैज अ डायमीटर, आपको सवाल में वो डायमीटर गिवन कर रहा है। तो डायमीटर का मतलब सर, डायमीटर को हम लिखते हैं डीएन से, डीएन मुझे दे रहा है एन, यानी डीएन का मतलब डायमीटर किसी ऑर्बिट से रिलेटेड 9 exponential minus 6 meter। यानी सवाल में सबसे पहले मुझे जो चीज़ मिल गई वो क्या मिल गया, डायमीटर मिल गया। इन विच एक्साइटेड ऑर्बिट शुड अ हाइड्रोजन एटम बी सच दैट इट इज जस्ट एज बिग एज ब्लड कॉर्पस्कल। क्या मतलब है इसका, सिर्फ इतनी सी बात पहले आप पढ़िएगा, इन विच एक्साइटेड ऑर्बिट, क्या मतलब है इसका, इन विच एक्साइटेड ऑर्बिट, इन विच एक्साइटेड ऑर्बिट का मतलब है कौन से एक्साइटेड ऑर्बिट की बात कर रहा है, कौन से एक्साइटेड ऑर्बिट का मतलब है कि क्या निकाल के दिखा दो, एन निकाल के दिखा दो। भाई ये मतलब हुआ ना, आप ब्लड कॉर्पस्कल है डायमीटर, डायमीटर आपको दे रहा है और आगे आपसे बोल रहा है इन विच एक्साइटेड ऑर्बिट, कौन से एक्साइटेड ऑर्बिट में, मतलब क्या निकाल के दिखा दो, एन निकाल के दिखा दो। अच्छा जी क्या मतलब, आगे वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, शुड अ हाइड्रोजन एटम बी सच दैट इट इज जस्ट एज बिग एज ब्लड कॉर्पस्कल। यानी अगर एक मेरे पास ब्लड कॉर्पस्कल है, ये सपोज करो ये मेरे पास ब्लड कॉर्पस्कल है, यानी ब्लड सेल की बात कर रहा है, ब्लड कॉर्पस्कल इसका जो साइज है इसका अगर मुकाबला करो तो एटम के कौन से एक्साइटेड स्टेट के बराबर होगा, जैसे ये मेरे पास पहला एक्साइटेड स्टेट, ये मेरे पास दूसरा एक्साइटेड स्टेट, ये मेरे पास तीसरा एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट को जरा आप देखिएगा, ये रहा मेरे पास फर्स्ट, ये रहा मेरे पास सेकंड, ये रहा मेरे पास थर्ड। आप देखो ब्लड कॉर्पस्कल का जो साइज है, जो सर्कुलर जो साइज नजर आ रहा है, क्या ये पहले ऑर्बिट के साइज के बराबर है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, पहले ऑर्बिट का साइज हमें छोटा नजर आ रहा है, ब्लड कॉर्पस्कल का साइज बड़ा नजर आ रहा है। इसका जो साइज है वो तकरीबन बराबर किसके आ रहा है, सर ये तकरीबन बराबर आ रहा है दूसरे ऑर्बिट के। आप देखो दूसरे ऑर्बिट का जो साइज है वो बराबर आ रहा है ब्लड कॉर्पस्कल के, यानी आसपास का करीब का मुकाबला है, ब्लड कॉर्पस्कल का साइज दूसरे ऑर्बिट के बराबर आ रहा है। कि ये तो मैंने फिजिकली आपको डायग्राम की मदद से बताया कि यार वो ब्लड कॉर्पस्कल का साइज कौन से एक्साइटेड ऑर्बिट के बराबर है, ये तो आपने फिजिकली डायग्राम से देख के बताया है। यही सेम चीज करनी है आपको, लेकिन अब आपको ये काम करना है किसके लिए, वैल्यूज के लिए करना है। अब मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना, सवाल है बड़ा आसान, सिर्फ लॉजिक इसकी समझने वाली मुश्किल है आपको, इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, सिर्फ समझने वाली इसकी लॉजिक थी, बाकी सवाल बड़ा आसान। आपको डायमीटर दे रहा था, सर डायमीटर की मदद से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, यानी डायमीटर को अगर आप आधा करते हैं तो हमें कौन मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है। सर हम रेडियस क्यों लिख रहे हैं, रेडियस लिखने की वजह तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन मैं पहले आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि डायमीटर की मदद से आपने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। तो ये बन जाएगा डी एन अपॉन टू, ये बन जाएगा आर एन। बेटा डी एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो आप बोलेंगे सर डी एन की वैल्यू है 9 exponential minus 6, डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, 9 exponential minus 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो जवाब आ जाएगा 4.5 exponent minus 6, और ये आपने आर एन की वैल्यू निकाल दी। सर रेडियस निकालने की वजह क्या थी, रेडियस मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है रेडियस का, आर एन का फॉर्मूला होता है 0.53 exponential minus 10 और साथ में लिखा हुआ है एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 2 में, चैप्टर 18 का जो मैंने लेक्चर नंबर 2 आपको डिलीवर किया है उसके अंदर आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा। आर एन का फॉर्मूला आर एन इज इक्वल टू 0.53 exponential minus 10 और साथ में लिखा हुआ है एन स्क्वायर। ये जो आर एन नजर आ रहा है आपको इसकी वैल्यू पता है, बेटा आर एन की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको बताया, ये रही ना आर एन की वैल्यू, आर एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया, आर एन की जगह पे आ जाएगा 4.5 exponential minus 6 इज इक्वल टू 0.53 exponential minus 10 और साथ में लिखा हुआ है एन स्क्वायर। इस 0.53 को लेफ्ट पे लाके मैं डिवाइड कर दूंगा तो बन जाएगा 4.5 exponential minus 6 डिवाइडेड बाय 0.53 exponential minus 10 और साथ में लिखा हुआ है मेरे पास कौन, एन स्क्वायर। कैलकुलेटर की मदद से दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूं मैं, आप भी चेक कीजिएगा आपका आंसर क्या रहा है, 4.5 exponential minus 6 डिवाइडेड बाय 0.53 exponential minus 10। दोनों को मैंने जब डिवाइड किया तो एन स्क्वायर का आंसर मेरे पास आ रहा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 84905.66। यस सर यही आ रहा है आंसर। अब ये तो आपने एन स्क्वायर निकाला,
एन स्क्वायर से अब आप स्क्वायर रूट करोगे इसका, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, एन स्क्वायर और अंडर रूट 84905.66। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट लेके कैलकुलेटर से चेक करता हूँ, मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ रहा है 291.38। ये इसका जवाब आया 291.38, लेकिन मैं इसके जवाब में 291 लिखूंगा, 0.38 नहीं लिखूंगा, यानी 0.38 नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ जो जवाब लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, 291। मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने की वजह ये है कि ये एन कहलाता है एक्साइटेड ऑर्बिट का नंबर। कौन सा एक्साइटेड स्टेट है? जैसे होते हैं ना आपके बहन भाई, मैं बोलूँ आपके कितने बहन भाई हैं, तो आप बोलेंगे सर हमारे बहन भाई या तो दो होंगे या तीन होंगे। कभी भी आप ये बोलेंगे सर हमारे ढाई बहन भाई हैं, ऐसा नहीं बोलोगे आप, या तो बोलोगे हमारे दो बहन भाई हैं या बोलोगे हमारे तीन बहन भाई हैं। इसी तरीके से एन भी एक्साइटेड स्टेट का नंबर है कि भाई या तो वो 291 होगा या फिर 292 होगा। ऐसा नहीं हो सकता 291.38 आप ऐसे नहीं लिखोगे, तो आप जवाब बोलोगे डायरेक्ट, क्या जवाब होगा मेरा, 291 होगा। तो ये मेरे न्यूमेरिकल का जवाब हो गया। न्यूमेरिकल बड़ा आसान सा था कि सर हमें सवाल में वो क्या गिवन कर रहा था, हमें वो डायमीटर दे रहा था, डायमीटर की मदद से हमें क्या निकालना था, रेडियस निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ तमाम लोग को न्यूमेरिकल क्लियर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 18 को देखने के बाद आगे बढ़ना है न्यूमेरिकल नंबर 19 की तरफ। तमाम लोग न्यूमेरिकल नंबर 19 पढ़िएगा ताकि मैं अपना सवाल आपको समझा सकूं जल्दी से। सवाल क्या है, सवाल पढ़ते हैं, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल में आपसे बोला इन द हाइड्रोजन एटम्स एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट हुज बाइंडिंग एनर्जी 0.54। सवाल की सिर्फ इतनी बात पढ़िएगा, जो मैंने सवाल की आपको बात हाईलाइट करी है ना, जो मैंने ब्रैकेट बनाया है, इतनी बात पढ़िए क्या समझ में आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर वो एक स्टेट की बात कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट। भाई ये बोला ना कि स्टेट की बात करिए, स्टेट का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आपको दे रहा है 0.54। तो मैंने एक स्टेट बनाई कि यार ये एक स्टेट है, सही है। जैसे मैं एक स्टेट बनाता था ना, ये पहला दूसरा तीसरा, मैं ऐसे स्टेट बनाता था कि सर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। इसी तरीके से उसकी एक एनर्जी बता रहा है, और उसकी एनर्जी बता रहा है 0.54। पहली बात, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी हमेशा माइनस साइन के साथ लिखी जाएगी। याद करो मैं एनर्जी को ये लिखता था -13.6 -3.4 -1.5 -0.85, इस तरीके से मैं लिखता था। तो इसीलिए मैंने इस एनर्जी को, वो दे तो प्लस में रहा है, लेकिन आप जान पूछ के इस एनर्जी को किस में लिखोगे, माइनस में करके लिखोगे, यानी वो दे प्लस में रहा है, आप लिखोगे उसको माइनस में, क्योंकि आपको ये बात पता है। और ये जो एनर्जी है, आज के बाद से किसी भी स्टेट की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आप बोलेंगे आज के बाद से क्या, बाइंडिंग एनर्जी। यानी ये जो एनर्जी कहलाएगी मेरे पास, आज के बाद से आप इसको बोलोगे कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। यानी ये एनर्जी कहलाएगी मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी, हम आपकी बात पर यकीन कर लेते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी है। अच्छा जी, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है इस इलेक्ट्रॉन को, सपोज करो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग। क्योंकि बाइंड का मतलब होता है ना, आप अक्सर होता है कॉपीज में बाइंडिंग कराते हो, तो बाइंडिंग का मतलब होता है रोक के रखना, मतलब बाइंड करना, उन पेजेस को रोक के रखना। इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी कहला रही है कि उसको इस एक्साइटेड स्टेट से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहलाएगी आपके, और कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो अब आपको एक स्टेट की एनर्जी मिल गई, तो मैंने डाटा में सिर्फ छोटी सी एक बात लिखी कि सर मुझे ई एन की वैल्यू मिल गई
और ई एन की वैल्यू हो गई माइनस का 0.54 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बोलेंगे हाँ सर यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई, आपने सिर्फ पहली लाइन समझाई है ब्रैकेट बना के कि इन द हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट हुज फाइंडिंग एनर्जी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू अनदर स्टेट। अच्छा जी आगे क्या बोल रहा है आपसे, मैं आगे भी पढ़ूँ जरा। उसने बोला टू अनदर स्टेट, एक और स्टेट में जंप किया हुज एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो आपसे उसने दो एनर्जी की बात कर दी, एक तो उसने बात करी आपसे बाइंडिंग एनर्जी की और एक उसने आपसे बात करी कौन सी एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। तो दोनों एनर्जी के डिफरेंस याद रखना आप लोग। बाइंडिंग एनर्जी तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, बाइंडिंग एनर्जी मैंने आपको बता दिया, जबकि सेकेंड वाली जो एनर्जी दे रहा है, जो आपको एनर्जी दे रहा है 10.2, वो एनर्जी दे रहा है एक्साइटेशन एनर्जी। और याद है एक्साइटेशन एनर्जी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 प्लस एन स्क्वायर, सॉरी माइनस 13.6 प्लस एक्साइटेशन एनर्जी। तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, ऐसा लास्ट लेक्चर में आपने फॉर्मूला पढ़ाया था माइनस 13.6 प्लस एक्साइटेशन एनर्जी। ये आ गया फॉर्मूला मेरे पास, En इज इक्वल टू माइनस 13.6 प्लस एक्साइटेशन एनर्जी। अच्छा जी सर आगे बढ़िए, अब देखो आपको एक्साइटेशन एनर्जी कितनी दे रहा है वो, तो आप बोलेंगे सर हमें एक्साइटेशन एनर्जी दे रहा है 10.2, तो मैंने लिखा माइनस 13.6 प्लस 10.2, दोनों को प्लस माइनस किया तो जवाब आया मेरे पास माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो तरह की एनर्जी आ गई, एक आ गई मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी से एनर्जी, एक आ गई मेरे पास एक्साइटेशन एनर्जी से एनर्जी। उम्मीद करता हूँ यहां तक की बात आप तमाम लोगों को क्लियर होगी। अब सवाल का पार्ट ए पढ़ते हैं, पार्ट ए में उसने क्या बोला आपसे निकालने को, उसने बोला व्हाट आर द क्वांटम नंबर फॉर दिस स्टेट। फॉर दिस स्टेट का मतलब चलो मैं पार्ट ए पार्ट बी करके लिख देता हूँ। पार्ट ए में बोल रहा है मुझे एन आई की वैल्यू बता दो और पार्ट में मुझे बोल रहा है क्या बता दो, एन एफ की वैल्यू बता दो। भाई क्वांटम नंबर का मतलब मैंने आपको बताया ना, व्हाट आर द क्वांटम नंबर फॉर दिस स्टेट, मतलब वो आपसे बोल रहा है मुझे एन आई निकाल के दिखा दो और वो आपसे बोल रहा है क्या निकाल के दिखा दो, एन एफ निकाल के दिखा दो। कंप्यूट द वेवलेंथ, आप वेवलेंथ निकाल के दिखा दीजिए। वेवलेंथ का मतलब है सर क्या निकाल के दिखा दीजिए, लैम्डा निकाल के दिखा दीजिए। और पार्ट सी में बोल रहा है आप सीरीज का नाम बता दीजिए, कौन सी सीरीज है, लाइमन है, बाल्मर है, पैशियन है, ब्रैकेट है, पीफंड है, कौन सी सीरीज है आप ये बता दीजिए। आप बोलेंगे सर सर हम कोशिश करते हैं एन आई और एन एफ निकालने की। मैं आपको सवाल करना सिखाता हूँ एन आई और एन एफ निकालने का तरीका कि एन आई और एन एफ मैं कैसे निकालूंगा। तो मैंने सवाल में लिखना शुरू किया पार्ट ए के लिए, पार्ट ए में क्या लिखूंगा मैं, तो मैंने लिखा पार्ट ए, अच्छा जी ई एन की, ई एन का फॉर्मूला है मेरे पास, ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। यस सर यही फॉर्मूला है मेरे पास। तो बेटा आप देखो ई एन की वैल्यू आपको पहली कितनी दे रहा है, पहली वाली वैल्यू आपको दे रहा है 0.54, माइनस का 0.54, तो मैंने यहाँ पे यही रखा माइनस का 0.54 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को ऊपर फेंक दिया, 0.54 को नीचे बुला लिया, तो जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.54। माइनस से माइनस आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब कैलकुलेटर की मदद से आप इसको डिवाइड करोगे तो 13.6 होगा, 0.54 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 25 आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ मैं अगर स्क्वायर रूट लगा दूंगा, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाया तो एन का आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी आपने एक ई एन की वैल्यू की मदद से आपने एन की वैल्यू निकाल दी। भाई एक दफा मैंने जो ई एन की वैल्यू ली वो वैल्यू कितनी ली, 0.5। अब आप देखो आपने फिर ई एन का फॉर्मूला लगाया, ई एन का फॉर्मूला मेरे पास ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। एक दफा आपने ई एन की वैल्यू ली कितनी, 0.54, एक दफा आप वैल्यू लोगे कितनी, माइनस का 3.4। यस सर यही करेंगे, अब मैं ई एन की जगह पे रखूंगा माइनस का 3.4, माइनस का 13.6 और नीचे लिखा हुआ है एन स्क्वायर, या एन स्क्वायर यहाँ ऊपर चला जाएगा माइनस 3.4 नीचे आ जाएगा, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13.6 और डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास कौन, माइनस का 3.4। यस सर ये माइनस का 3.4 नीचे आ गया। फिर दोबारा वही काम सर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, या सर कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, 13.6 को अगर 3.4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। फिर इसका आप स्क्वायर रूट लोगे, एन स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट लेके मेरे पास एन का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सर आपने दो एन के आंसर तो निकाल दिए, इसके आगे क्या करेंगे। अब याद है मैं आप लोग को बार बार पढ़ा चुका सर, एन आई की वैल्यू हमेशा छोटी होती है,
और ni की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, यानी छोटी वाली वैल्यू ni कहलाती है। इसका मतलब ये जो 2 नज़र आ रहा है ये ni की वैल्यू है, यानी ni की वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी, 2 हो जाएगी, जबकि बड़ी वाली वैल्यू nf कहलाती है, यानी nf की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ni मुझे मिल गया 2 और nf मुझे मिल गया कौन, 5 मिल गया। अच्छा सर, ni और nf तो आपको मिल गया, सर अब हम आगे क्या करेंगे? बेटा आपसे पहले पार्ट में तो यही बोला था ना, ni nf निकाल के दिखाओ, आपने ये पार्ट तो सॉल्व कर लिया, अब आपसे बोल रहा है वेवलेंथ निकाल के दिखा दो। तो अरे सर वेवलेंथ का फॉर्मूला तो हमें पता है, वेवलेंथ का मैंने हेडिंग लगाई फॉर लैम्डा, और वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर। यस सर, यही फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर। तो तमाम लोग को फॉर्मूला भी याद है वेवलेंथ का, तो यहां से सॉल्व करके आप वेवलेंथ निकाल लोगे। तो पार्ट बी तो आप सॉल्व कर सकते हो, पार्ट बी आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। अच्छा पार्ट सी में वो आपसे क्या बोल रहा है, पार्ट सी में वो आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे बताओ ये किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है, लाइमन है, बाल्मर है, पैचियन है, ब्रैकेट है, पीफंड है, आप पहचानो एनआई से। बेटा एनआई की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर अरे सर एनआई की वैल्यू 2 है, और जब एनआई की वैल्यू 2 हो तो वो सीरीज कौन सी कहलाती है, वो सीरीज कहलाती है बाल्मर सीरीज। तो आपने ऐसे पहचाना कि यार सर इसका जो पार्ट सी है उस पार्ट सी में आप सीरीज का नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे बाल्मर सीरीज। कैसे पता चला, क्योंकि एनआई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पहुंच के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, वेवलेंथ आप लोग खुद निकालेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप तमाम लोगों को क्लियर होगा।